हेलो एवरीवन वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस दिस इज सुमन यादव जिन भी बच्चों का सी ई का फॉर्म छूट गया है ठीक है या फिर उनके एग्जाम देने में कोई गड़बड़ी आ गई वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए ठीक है या फॉर्म ही नहीं फिल अप कर पाए तो कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपका आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है ये जो फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म है स्पेशली उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है और भी बच्चे इसे फिल कर सकते हैं लेकिन ये उत्तर प्रदेश का कॉलेज है इसलिए मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश के बच्चे ऑल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं इसमें कोई रिजर्वेशन वाला झमेला नहीं है ठीक है देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की उसमें आप एडमिशन ले सकते हो ये गवर्नमेंट कॉलेज है प्लस इसमें लगभग सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं आप उन सब कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है और आपको इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट फोर्थ जुलाई तक है सारे यूजी प्रोग्राम्स के लिए किसी भी फील्ड से आप अगर अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हो यानी कि बी ए बी एस सी बी कॉम आ, बी बी ए कुछ भी बी सी ए कुछ भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो चार जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर दो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूंगी जिस भी कोर्स का आप फॉर्म भर रहे हो उसकी पहले फीस चेक कर लेना क्योंकि कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनकी फीस थोड़ी हाई है अदरवाइज नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज जितनी ही फीस है इसमें मैक्सिमम कोर्सेज की ठीक है तो आप उसकी फीस एक बार चेक कर लेना खास करके बी वगैरह प्रोग्रा, प्रोग्राम्स के लिए या एल प्रोग्राम्स के लिए इसमें आप फीस चेक कर लेना बाकी नॉर्मल बी ए जो करना चाहते हैं उनके लिए फीस बिल्कुल नॉर्मल है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो बहुत ही अच्छा कॉलेज है बेटा ऐसे मतलब आ, किसी भी स्टेट के कैपिटल uh, में कॉलेज मिलना गवर्नमेंट कॉलेज मिलना विदाउट सी बहुत कम चांसेस है इसलिए मैं कह रही हूँ इसमें जरूर आप अप्लाई कर लो अगर आपका सी का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या आपका फॉर्म छूट गया था एग्जाम छूट गया था ठीक है तो आपके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा चार जुलाई को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे आप उसको फिल कर लो फिल करने की कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताई है इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां पे जाके देख सकते हो इस वीडियो को डिटेल में तब डेट कुछ और थी तब डेट सिर्फ पंद्रह जून तक थी लेकिन अब डेट एक्सटेंड करके चार जुलाई कर दी गई है इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से आपको बता रही हूँ ठीक है तो वहां पे मैंने पंद्रह जुलाई बोला था उस पर आप ध्यान मत देना डेट इंक्रीज हो गई है चार जुलाई तक डेट हो गई है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसी प्रोसेस के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करना और रजिस्ट्रेशन फीस है वन थाउजेंड सॉरी फोर हंड्रेड फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी ठीक है और अगर पीजी का आप करते हो तब वन थाउजेंड आपको लगता है ओके सो विश यू ऑल द बेस्ट आप परेशान बिल्कुल मत हो ऐसे जो भी कॉलेज मुझे नजर आएंगे अच्छे कॉलेजेस रहेंगे मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना के आपको अपडेट देती रहूंगी ओके सो बाय बाय टेक केयर एंड फॉर्म भरना मत भूलना अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ओके okay? चलो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में